स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं, ये स्टोरी है शॉर्ट स्टोरी से, स्टोरी नंबर 4, हर्ट्स एंड हैंड्स। तो शुरुआत करते हैं स्टोरी की। एट डेनवर देयर वॉज एन इन्फ्लक्स ऑफ पैसेंजर इन टू द कोचेज ऑन द ईस्ट बाउंड बी एंड एम एक्सप्रेस। ये जगह का नाम है डेनवर, ठीक है। तो यहाँ की बात कर रहा है, डेनवर की बात कर रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे जो पैसेंजर्स है ना, पैसेंजर्स की यहाँ पे भीड़ है, ठीक है, जो कि कोचेज में एंट्री कर रहे हैं। ये स्टेशन पे ऐसा होता ही है, और ये ट्रेन का नाम भी लिखा हुआ है बी एंड एम एक्सप्रेस, जो कि ईस्ट बाउंड यानी कि ईस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है। फिर इसके बाद है नेक्स्ट, ये यहाँ पे जो डेनवर है ना, ये कोलोराडो का कैपिटल है, ठीक है। अब कोलोराडो जो है ये एक स्टेट है अमेरिका का। बी एम जो इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर, ये बोस्टन मॉन्ट्रियल के लिए इस्तेमाल किया गया है, वहां को जाने वाली ये ट्रेन है। इन वन कोच देयर सैट अ वेरी प्रिटी यंग वुमन ड्रेस्ड इन एलिगेंट टेस्ट एंड सराउंडेड बाई ऑल द लग्जरियस कम्फर्ट ऑफ एन एक्सपीरियंस्ड ट्रेवलर। अब एक कोच में क्या था ना, बड़ी खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई थी, ठीक है, और कपड़े लगते एकदम एलिगेंट, मतलब बेहतरीन कपड़े, शानदार कपड़े उसने पहने रखे थे, अच्छे टेस्ट का, मतलब उम्दा किस्म का, और चारों तरफ सारा का सारा ऐशो आराम की चीज़ें थी, लग्जरियस चीज़ें थी, है ना, शानो शौकत वाली चीज़ें थी, जो कि एक अनुभवी ट्रेवलर अपने साथ लेके चलता है, वो सारी चीज़ें उसके साथ थी। अमंग द न्यू कमर्स वर टू यंग मैन। अब जो नए लोग कोच के अंदर आ रहे थे, ट्रेन के डिब्बे के अंदर, उसमें दो जो है कि यंग जवान आदमी थे। वन ऑफ हैंडसम प्रेजेंस विद अ बोल्ड फ्रैंक काउंटेनेंस एंड मैनर। तो एक व्यक्ति उसमें से जो आया है वो कैसा था, वो एक व्यक्ति जो है कि एकदम बेहतरीन पर्सनैलिटी का था यार, हैंडसम था, बोल्ड मतलब बहादुर दिख रहा था, फ्रैंक स्ट्रेट फॉरवर्ड था बिल्कुल, है ना, चेहरे से लग रहा था, एंड मैनर मतलब तरीके का था। द अदर अ रफल्ड ग्लम फेस्ड पर्सन। और दूसरा वाला ना ग्लम फेस्ड पर्सन, मतलब इसको सैड के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, सीरियस फेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हैवीली बिल्ट एंड रफली ड्रेस्ड, बिल्कुल जो है कि भारी कपड़े पहना हुआ था, है ना, तो वो आया। तो दो यहाँ पे व्यक्ति यहाँ पे अंदर हुए कोच के अंदर। द टू वेयर हैंडकफ टुगेदर, यानी दोनों के हाथों में हथकड़ियाँ थी, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट, एज दे पास डाउन द एसल of the coach, the only vacant seat offered was a reversed one facing the attractive young woman. और जैसे ही वो जो है कि कोच के बीच में आए गलियारे से होते हुए, तो बस एक जगह पे खाली सीट, वैकेंट मतलब खाली सीट दिखी, और वो खाली सीट कहाँ है भाई, फेस कर रही है मतलब चेहरे की तरफ है, किसके, उसी खूबसूरत नौजवान औरत के। हेयर द लिंक्ड कपल सीटेड देमसेल्फ। अब ये कपल मियाँ बीवी नहीं है भैया, ये जो हैंडकफ्ड वाले दोनों यंग मैन है, ये दोनों यहाँ पे आके बैठ गए। द यंग वूमैन्स ग्लांस फेल अपॉन देम विद अ डिस्टेंट स्विफ्ट डिसइंटरेस्ट, देन विद अ लवली स्माइल ब्राइटनिंग हर काउंटेनेंस एंड अ टेंडर पिंक टेंजिंग हर राउंडेड चीक्स, शी हेल्ड आउट अ लिटिल ग्रे ग्लोव्ड हैंड। पढ़ते हैं समझते हैं, ऐसा नहीं है, मुश्किल नहीं है। जो नौजवान औरत है वो देखती है, किधर देखती है, वो देखती है एक नजर, ग्लांस का मतलब होता है नजर उसकी पड़ती है, है ना, दूर से ही उड़ती हुई नजर, बिना मतलब ध्यान दिए पड़ती है किसके ऊपर, बिना स्विफ्ट डिसइंटरेस्ट मतलब कि हल्की सी, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हाँ हम उसी को देखेंगे, डिसइंटरेस्ट है ना, बिना रुचि के। देन विथ अ लवली स्माइल, फिर प्यार भरा जो है कि एकदम प्यारा सा स्माइल देती है। ब्राइटनिंग हर काउंटेंस का मतलब अब चमकता है उसका चेहरा, है ना, एंड अ टेंडर पिंक टेंजिंग, है ना, अपने नाजुक जो है कि वो उसके गालों पे जो है कि अब जो है कि वो सुना ये गुलाबी कलर पड़ रहा है। शी हेल्ड आउट अ लिटिल ग्रे ग्लोव हैंड, और फिर वो अपना जो है कि हाथ आगे बढ़ाती है, जो कि भूरे रंग के ग्लव उस पे के हथेलियों पे पहने हुए हैं उसने, और उसने अपना हाथ बढ़ाया। तो यहाँ पे देखो पूरे का मतलब यही है कि जो नौजवान औरत है, शुरुआत में तो उड़ती उड़ती नजर गई, फिर उसके बाद उसका चेहरा थोड़ा सा बदला, फिर उसने प्यारा सा स्माइल दिया, और उसके बाद उसके चेहरे का कलर, उसके जो गालों का कलर हुआ,
वो कैसा हुआ, पिंक हुआ, और फिर उसने जो है कि अपना हाथ आगे बढ़ाया ग्लव वाला। व्हेन शी स्पोक हर वॉइस, जब उसने अपनी जुबान से बोला, फुल स्वीट एंड डेलिबरेट प्रोक्लेम दैट इट्स ओनर वॉज एकस्टम टू स्पीक एंड बी हर्ड। जब उसने अपने मुंह से बोला ना, तो मतलब ऐसा लगता है कि वो बात करती है तो उसके मुंह से फूल झड़ते हैं, वैसे वाली बात है एकदम, बिल्कुल प्यार भरे शब्द में जब उसने बोला ना, डिलिबरेट बिल्कुल साउंड में, तो जैसे कि वो प्रोक्लेम कर रही हो, ऐलान कर रही हो कि नहीं भाई, कि वो बोलेगी तो अगले को बिल्कुल सुनना ही है, जो कुछ भी है वो सामने वाला उसको सुनना ही पड़े, मतलब इस तरह की उसकी खूबसूरत आवाज थी। वेल मिस्टर ईस्टन, अच्छा मिस्टर ईस्टन, इफ यू विल मेक द मी स्पीक फर्स्ट, आप चाहते हो कि पहले मैं बोलूं, आई सपोज आई मस्ट, तो हाँ मैं सोचती हूँ कि हाँ मुझे पहले बोलना चाहिए। डोंट यू एवर रिकॉग्नाइज ओल्ड फ्रेंड्स व्हेन यू मीट देम इन द वेस्ट, तो क्या आप पहचानते नहीं अपने पुराने दोस्तों को जब आप उनसे मिलते हैं वेस्ट में। ये कौन कह रहा है, ये वो लड़की कह रही है, नौजवान लड़की कह रही है खूबसूरत सी। द यंगर मैन रोज्ड हिमसेल्फ शार्पली एट द साउंड ऑफ हर वॉइस, सीम टू स्ट्रगल विद अ स्लाइट एम्बैरेसमेंट विच ही थ्रू ऑफ इंस्टेंटली एंड देन क्लैस्प्ड हर फिंगर्स विद हिज लेफ्ट हैंड। तो ये जो नौजवान लड़का है ये उठ खड़ा होता है, और उठ खड़े होने के बाद ही तेजी के साथ शार्पली उसकी आवाज पे, सीम टू स्ट्रगल, जैसे कि वो जद्दोजहद कर रहा हो और थोड़ी सा स्लाइट क्या हो, एम्बैरेस्ड हो गया हो, कैसा हो गया, एम्बैरेस्ड, एम्बैरेस्ड मतलब शर्मिंदा हो, विच थ्री ऑफ, जल्दी उसने जो है कि तुरंत अपना जो शर्मिंदगी उठा के फेंक दी और फिर उसके उंगलियों को पकड़ा अपने बाएं हाथ से। ये बड़ी जरूरी चीज है, क्योंकि यही ट्विस्ट है लास्ट में, कि जो नौजवान है हैंडसम वाले की बात हो रही है, किसने बाएं हाथ से उसका उसकी उंगलियों को पकड़ा। इट्स मिस फेयर चाइल्ड, अच्छा तो आप हैं मिस फेयर चाइल्ड, है बात कह रहा है उनसे विद स्माइल, उस लड़की को कहता है अब खुशी के साथ, स्माइल के साथ, आई विल आस्क यू टू एक्सक्यूज द अदर हैंड, इट्स अदरवाइज इंगेज जस्ट एट अ प्रेजेंट, आई आस्क, मैं आपको, मैं माफी चाहता हूँ कि मैं दूसरा हाथ नहीं मतलब दे पाया आपको, क्योंकि ये जो है कि इंगेज है, मतलब कहीं फंसा हुआ है, मतलब वही कव्ड है, कौन सा हाथ, राइट हैंड, है ना, क्योंकि इसने लेफ्ट हैंड बढ़ाया है। ही स्लाइटली रेज्ड हिज राइट हैंड, हल्का सा अपना हाथ उठाता है दाहिना वाला, बाउंड एट रिस्ट बाई शाइनिंग ब्रेसलेट, यहाँ जो है कलाई के ऊपर चमकती हुई जो है कंगन है, ये कंगन कौन से हैं, ये हैंडकफ की बात हो रही है, टू द लेफ्ट वन ऑफ हिज कंपेनियन, जो बगल में उसके बाएं बैठा हुआ है उसका कंपेनियन साथी, उसके हाथ से बंधी हुई है कंगन, यानी कि हैंडकफ। द ग्लैड लुक इन द गर्ल्स, यहाँ पे गर्ल्स आईज स्लोली चेंज टू बिविल्डर्ड हॉरर, अब यहाँ पे देखो हुआ क्या, बिविल्डर्ड मतलब उलझन में, मतलब डर के साथ, जो उसका जो ग्लैड लुक था मतलब खुशी भरा जो चेहरा था, वो अब थोड़ा सा ना स्लोली बदल गया। अरे भाई कोई भी हो, हथकड़ी देखेगा, अरे यार जिसको पहचान है वो हथकड़ी में बंधा हुआ है, कैसा लगेगा। तो बिविल्डर्ड हॉरर यानी कि यहाँ पे वो जो है उलझन से, उलझन में डर के साथ, मतलब उसका चेहरा उलझन और डर में बदलने लगा। द ग्लो फेडेड फ्रॉम हर चीक्स, अब गालों से वो जो गुलाबी रंग नाजुक आ रहा था वो अब उसके गालों से जाने लगा। हर लिप्स पार्टेड इन वॉक, वॉक का मतलब होता है धुंधला हो गया, धुंधलेपन में, रिलैक्सिंग डिस्ट्रेस, देखो रिलैक्सिंग और डिस्ट्रेस दोनों अलग अलग चीज है, तो यहाँ पे कह रहा है उसके जो होंठ है ना बिल्कुल हक्का बक्का रह गया, अपार्ट हो गया, मुंह खुला रह गया है ना। ईस्टर्न विद अ लिटिल लाफ, ईस्टर्न थोड़ा सा हंसा, एज इफ अम्यूज्ड, जैसे कि वो थोड़ा सा वो मनोरंजन महसूस किया हो। वॉज अबाउट टू स्पीक अगेन, वो फिर से दोबारा कुछ बोलने ही वाला था, ईस्टर्न कौन है, वही हैंडसम यंग मैन, व्हेन द अदर फोर स्टॉल्ड हिम, दूसरे ने फोर स्टॉल्ड किया मतलब उसको रोक दिया है। देखो टिपिकल लैंग्वेज ऐसा लगता है कि जैसे बहुत खतरनाक है, समझने में बहुत आसान है, लेकिन इसने सिंपल लैंग्वेज नहीं यूज किया, फोर स्टॉल्ड हिम मतलब उसको रोक दिया। द ग्लम फेस, जो सैड सीरियस मैन हैड बीन वॉचिंग द गर्ल्स काउंटेनेंस, काउंटेनेंस मतलब चेहरा, वो देख रहा था लड़की के चेहरे को विद अ वेल्ड ग्लांसेस, ठीक है, एंड पर्दे में मतलब फ्रॉम हिज कीन श्रूड आईज। अब यहाँ पे देखो ये जो कीन श्रूड आइस है, वेल्ड का मतलब होता है पर्दे की नजर से, उड़ती उड़ती नजर से, वो जो है कि अपनी तेज नजरों से, कीन तेज, और श्रूड मतलब तीखी, तेज तीखी नजरों से वो लड़की को देख रहा था। यू विल एक्सक्यूज मी फॉर स्पीकिंग, मैं माफी चाहूंगा कि आप मुझे बोलने दें, मिस बट आई सी यू
यू विल एक्सक्यूज मी, आप मुझे माफ कर देंगी फॉर स्पीकिंग बोलने के लिए मिस, बट मैं देख रहा हूँ कि यू आर एक्वेंटेड विद द मार्शल एयर, मतलब आप परिचित हैं इस मार्शल से, है ना? जो मार्शल यानी कि वो हैंडसम मैन है उसकी बात हो रही है, मार्शल का मतलब होता है इंस्पेक्टर, है ना? इफ यू विल आस्क हिम टू स्पीक अ वर्ड फॉर मी व्हेन वी गेट टू पेन ही विल डू इट, एंड इफ एंड इट, यहाँ पे इट होगा, इट मेक थिंग्स इजियर फॉर मी देयर, ठीक है? अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर आप इससे कह दें कि ये मेरे लिए दो शब्द वहां कह दे जहां मैं पेन पे जा रहा हूँ, पेन का मतलब जेल, जेल जा रहा हूँ, और ये ऐसा कर देगा तो मेरे लिए वहां पर चीजें आसान हो जाएंगी, मतलब कोई सिफारिश वगैरह कर दे। ही इज टेकिंग मी टू लेवन वर्थ प्रिजन, ये मुझे जेल ले जा रहा है, और कौन से जेल ले जा रहा है, जेल का नाम दिया लेवन वर्थ के प्रिजन में, वहां पे कारागार में। इट्स 7 ईयर्स फॉर काउंटर फिटिंग, ओ तो यहाँ पे कह रहा है, ये बता रहा है कि मुझे जेल ले जाया जा रहा है 7 साल के लिए, और कौन सा जुर्म लगाया मेरे ऊपर, काउंटर फिटिंग का यानी जालसाजी का। ओह सेड द गर्ल विथ अ डीप ब्रीथ एंड रिटर्निंग कलर, अच्छा अब लड़की जो है अच्छा महसूस कर रही है, ओह मतलब जिसको मैं जानती हूँ एक्चुअली में वो क्या है, इंस्पेक्टर है, मार्शल है, अब इसके चेहरे का कलर बदल रहा है, वो रिटर्निंग कलर मतलब पहले वाला ग्लो आ रहा है, वो पिंकी पिंकी वाला। सो वॉट इज सो दैट इज वॉट यू आर डूइंग आउट हियर, ओह तो ये चीज है जो आप यहाँ पे कर रहे हैं, अब मार्शल, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन भी है, ओह तो मतलब इंस्पेक्टर हो गया है। माई डियर मिस फेयर चाइल्ड, मेरे जो है कि प्री मिस फेयर चाइल्ड, ये अपने उस लेडी को कह रहा है, ईस्टर्न बोल रहा है, कामली मतलब आराम से, आई हैड टू डू समथिंग, मुझे कुछ करना तो पड़ता है, पड़ेगा ही, मनी हैज अ वे ऑफ टेकिंग विंग्स अनटू इट सेल्फ, एंड यू नो इट टेक्स मनी टू कीप स्टेप विद आवर क्राउड इन वॉशिंगटन, मतलब पैसों के तो पंख होते हैं, मतलब कहीं भी पैसा रहेगा उसको पंख लग जाता है, वो खुद से उड़ जाता है, खत्म हो जाता है, और तुमको पता है कि कदम रखने के लिए जो भीड़ है वॉशिंगटन की, उसमें कदम रखने के लिए पैसों की जरूरत होती है, जाहिर सी बात है किसी भी शहर में किसी भी जगह पर रहने के लिए जरूरत पड़ेगी। आई सॉ दिस ओपनिंग इन द वेस्ट, मुझे ये मौका मिला वेस्ट में, एंड विल, और हाँ अ मार्शलशिप इज क्वाइट एज हाई अ पोजिशन, इजेंट क्वाइट एज हाई पोजिशन एज दैट ऑफ एम्बेसडर, बट यहाँ पे देखो बात टूट रही है, अब हो सकता है ये कोई बंदा रहा हो जिसके बारे में बात हो रही है कि वेल की मार्शलशिप जो है कि उतना हाई पोजीशन का तो नहीं है जैसा एक एम्बेसडर का होता है, दूत तो काफी ऊंचे पोजीशन की बात होगी, और मार्शलशिप यानी एक इंस्पेक्टर है लेवल का, और एम्बेसडर क्या होता है, दूत होता है, काफी हाई प्रोफाइल होता है। बट द एम्बेसडर सेड द गर्ल, लड़की कह रही है एम्बेसडर, अरे छोड़ो वार्मली, है ना, ठीक है, वार्मली मतलब होता है गर्म जोशी से, डोंट कॉल एनी मोर, अरे छोड़ जान दो अब उसकी बात मत करो, ही नीडेंट एवर हैव डन सो, वो मतलब ऐसा कुछ भी जरूरी उसने किया नहीं है ना, यू ऑट टू नो दैट, तुम्हें तो सब पता है, एंड सो नाउ यू आर वन ऑफ दिस डैशिंग वेस्टर्न हीरोज, और अब तो तुम कुछ एकदम बेहतरीन डैशिंग मतलब डैशिंग मतलब कह सकते हो खूबसूरत मतलब हीरो हो गए हो पश्चिम के वेस्टर्न हीरोज में से हो, यानी कि यहाँ पे ना उस लड़की का कुछ रिश्ता रहा होगा इस एम्बेसडर से, है ना, कि कुछ रहा होगा या इसको छोड़ के उसके पास चली गई होगी कुछ ऐसा, है ना, उसकी पोस्ट देख के। एंड सो नाउ यू आर वन ऑफ दीज डैशिंग वेस्टर्न हीरोज, एंड यू राइड एंड शूट एंड गो इन टू ऑल काइंड ऑफ डेंजर, और अब तुम हाँ राइड करते हो मतलब घुड़सवारी वगैरह करते होगे, शूट करते हो, है ना, गोली वोली चलाते होगे और हर तरह के खतरों से खेलते होगे। दैट्स डिफरेंट फ्रॉम द वॉशिंगटन लाइफ, वो तो बिल्कुल, ये तो बिल्कुल अलग है वॉशिंगटन की लाइफ से, यू हैव बीन मिस्ड फ्रॉम द ओल्ड क्राउड, तुमको जो पुराना क्राउड है मतलब जो पुराने दोस्त वगैरह हैं वो सब तुमको याद करते हैं, तुमको मिस करते हैं। द गर्ल्स आईज फैसिनेटेड, फैसिनेटेड का मतलब होता है आकर्षित हुई, वेंट बैक वाइडनिंग अ लिटिल मतलब और थोड़ी सी चौड़ी हुई मतलब और आके उसने खोली, अ लिटिल टू रेस्ट अपॉन द ग्लिटरिंग हैंडकफ, और वो निगाहें कहाँ ठहरी, चमकती हुई हैंडकफ पे, डोंट यू वरी अबाउट देम, तुम इसके बारे में मतलब चिंता मत करो मिस, सेड द अदर मैन, ये दूसरा आदमी कह रहा है। अच्छा ये देखो जब जब उस लड़की की निगाह हैंडकफ पे जा रही है ना, ये दूसरा वाला बंदा उसको कुछ ना कुछ कह दे रहा है, बड़ा समझदार शख्स है, और यही शख्स बड़ा बेहतरीन है, आपको समझ में आएगा लास्ट में। ऑल मार्शल हैंडकफ देम सेल्फ टू देयर प्रिजनर टू कीप देम फ्रॉम गेटिंग अवे, सारे जो इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं ना वो हथकड़ी लगा लेते हैं, एक अपने हाथ में एक अपने प्रिजनर के हाथ में, ताकि वो कहीं भाग ना पाए। मिस्टर ईस्टन नोज हिज बिजनेस, मिस्टर ईस्टन को पता है कि उनका क्या काम है, मिस्टर ईस्टन हैंडसम मैन, और ये बात कौन कह रहा है,
जो साथ में मतलब अपने आप को प्रिटेंड कर रहा है कि हाँ मैं इनका कैदी हूँ, प्रिजनर हूँ, वो कह रहा है विल सी यू अगेन सून इन वॉशिंगटन, क्या हम तुमको दोबारा जो है कि वॉशिंगटन में देख पाएंगे, लड़की पूछ रही है। अभी तो ये कुछ लग ही रहा है कि फ्लैट व्लैट हो गई है, अपने को तो कभी सफर में मिलती नहीं लड़की, एकदम नहीं मिलती है, बूढ़े मिलेंगे बच्चे मिलेंगे लेकिन वो नहीं, नॉट सून, नहीं इतनी जल्दी तो नहीं आई थिंक, सैड स्टेन स्टेन ने कहा। माई बटरफ्लाई डेज आर ओवर आई फियर, अब मुझे लगता है ना आई फियर मतलब वो सैड वॉइस के लिए यूज किया गया है कि माई बटरफ्लाई डेज आर ओवर, मतलब मैं प्रेरित तितलियों वाले दिन चले गए, कि मतलब तितलियां होती है ना एक जगह से दूसरी जगह कभी भी जहां मन किया उड़ जाना, तो वो गया। आई लव द वेस्ट, मुझे पश्चिम पसंद है, सैड द गर्ल इररिलेवेंटली। इररिलेवेंटली का मतलब होता है कि अब इस बात की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन वो अपने से अब एक नई बात कह रही है कि आई लव द वेस्ट, मुझे पश्चिम पसंद है ना, इरिलीवेंटली मतलब इसका कोई ताल्लुक नहीं है बातचीत से, लेकिन एक अपनी तरफ से बोल रही है। हर आईज वेयर शाइनिंग सॉफ्टली, और नाजुक तरीके से उसकी जो आंखें थी वो चमक रही थी। शी लुकड अवे आउट द कार विंडो, कार विंडो मतलब कार में नहीं चल रही है, मतलब वो जो विंडो है खिड़की है उससे बाहर देखती है। शी बिगेन टू स्पीक ट्रूली एंड सिंपली विदाउट द ग्लॉस ऑफ स्टाइल एंड मैनर, अब एकदम ना पहले जो है अपना क्लास दिखा रही थी, अपनी शैली दिखा रही थी, स्टाइल दिखा रही थी, अब एकदम बिल्कुल जैसे कह सकते हो ना कि पहले शुरू शुरू में कोई आता है तो मतलब बहुत ज्यादा औपचारिक तरीके से रहता है, फिर घुल मिल गया हो जैसे, तो ये अपना शैली वगैरह सब कुछ भूल गई और स्टाइल मैनर सब कुछ छोड़ के एकदम नॉर्मल तरीके से बिहेव करके इसने बोला। मम्मा आई एंड आई मतलब इसकी माँ और ये, आई स्पेंट द समर इन डेनवर, हम लोग डेनवर में अपना जो है गर्मी का मौसम बिताए। शी वेंट होम अ वीक अगो, वो एक हफ्ते पहले घर चली गई, बिकॉज फादर वॉज स्लाइटली इल, क्योंकि पिताजी थोड़े बीमार थे। आई कुड लिव एंड बी हैप्पी इन द वेस्ट, मैं रह सकती थी और खुश रह सकती थी वेस्ट में। आई थिंक द एयर हेयर एग्रीज विथ मी, यानी यहाँ की हवा मेरे से सहमत है, मतलब यहाँ की हवा मुझको सूट करती है। मनी इजेंट एवरीथिंग, पैसा सब कुछ नहीं होता, बट पीपल ऑलवेज मिसअंडरस्टैंड थिंग्स एंड रिमेन स्टूपिड, तो लोग जो है कि अक्सर क्या होता है गलत फहमी पाल लेते हैं और बेवकूफ रह जाते हैं। मतलब ये उसने अपनी बात बताई इररिलेवेंटली, क्योंकि इस बात का इनके कन्वर्सेशन से अभी तक से तो कोई ताल्लुक नहीं था, ये पर्सनली उसने अपना कुछ कहा। से मिस्टर मार्शल क्रोल्ड द ग्लम फेस्ड मैन, अब यहाँ पे देखो कौन कह रहा है भैया, ग्रोल्ड मतलब होता है घुड़घुड़ाना, ए बोलो से कुछ कहो मिस्टर मार्शल, ये कौन कह रहा है, वो बगल वाला आदमी कह रहा है ना, ग्लम फेस्ड मैन कह रहा है। दिस इजंट क्वाइट फेयर, आई एम नीडिंग अ ड्रिंक, अब ये खुद ही वही आदमी कह रहा है दूसरा वाला कि ये एक अच्छी बात नहीं है, मुझे एक ड्रिंक चाहिए, एंड आई हैवेंट इस हैड अ स्मोक ऑल डे, और पूरे दिन मैंने धूम्रपान नहीं किया। हैवेंट यू टॉक्ड लॉन्ग इनफ, अच्छी खासी तुमने बात कर ली है ना, बहुत देर से तो तुम लोग बात कर रहे हो। टेक मी इन द स्मोकर नाउ वॉन्ट यू, तो मुझे ले चलो मुझे वहाँ पे जहाँ पे मतलब स्मोक करने की जगह होगी कोई पर्टिकुलर जगह, तो क्या तुम तो मुझे नहीं ले चलोगे। आई एम हाफ डेड फॉर अ पाइप, मैं तो यार मरा जा रहा हूँ मतलब एक पाइप पीने के लिए, इस सिगरेट की बात हो रही है ना, हाफ डेड आधा मर चुका हूँ। द बाउंड ट्रेवलर्स मतलब ना मिला तो पूरा मर जाऊंगा। द बाउंड ट्रेवलर्स रोज टू देयर फीट, अब ये जो बंधे हुए दोनों ट्रेवलर हैं अपने पैरों पे खड़े होते हैं। ईस्टर्न विद द सेम स्लो स्माइल ऑन हिज फेस, आइस्टन भी साथ में ही खड़ा हुआ, स्लो स्माइल हल्की सी मुस्कान के साथ अपने चेहरे पे। आई कांट डिनाई ए पेटिशन फॉर टोबैको, मतलब ये याचिका है मतलब सवाल है टोबैको के लिए, तंबाकू के लिए, मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता हूँ, ही सेड लाइटली, उसने कहा हल्के में। इट्स द वन फ्रेंड ऑफ द फॉर्चुनेट, ये जो है ना मतलब बोला है बदनसीब लोगों की किस्मत में कहाँ ही है ना, गुड बाय मिस फेयर चाइल्ड, वो मतलब उस लड़की को क्या कह रहा है, गुड बाय कह रहा है ना, बदकिस्मत का ये एक दोस्त है। ड्यूटी कॉल्स यू नो, तुमको पता ही है ना यार कि अब मेरा कर्तव्य हमको बुला रहा है। ही हेल्ड आउट हिज हैंड फॉर अ फेयरवेल, तो उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया फेयरवेल के लिए। इन टू बैड यू आर नॉट गोइंग ईस्ट, ये मतलब बड़ा दुख की बात है कि तुम ईस्ट नहीं, क्या तुम जो है ईस्ट नहीं जा रहे हो। शी सेड रिक्लोथिंग हरसेल्फ, मतलब कपड़े वपड़े ठीक कर रही है अपने आपको, अपना मैनर स्टाइल अब बहुत दोबारा से ले आ रही है। रिक्लोथिंग हरसेल्फ विथ मैनर स्टाइल, यानी कि अब उसी तरीके से उसी शैली में बात कर रही करने शुरू कर दिया उसने, उसी शैली को दोबारा अपना लिया, मतलब शुरुआत का जो औपचारिकता थी उसकी। बट यू मस्ट गो ऑन लेवेनवर्थ आई सपोज, लेकिन तुम जरूर, तुम यहाँ ईस्ट तो नहीं आ रहे लेकिन तुम जरूर लेवेनवर्थ जा रहे होगे आई सपोज, वही
जिसकी बात शुरू में हो रही थी कि ये सी की यहीं पे प्रिजन के लिए लेके जा रहा था ना इसको। यस सेड स्टर्न, स्टर्न ने कहा हाँ आई मस्ट गो ऑन लेवनवर्थ, मैं तो कहाँ जा रहा हूँ, लेवनवर्थ जा रहा हूँ। द टू मैन साइडल डाउन द एस ले इन टू द स्मोकर। साइडल डाउन का मतलब ये है कि जब भी ट्रेन में भीड़ भाड़ होती है तो कैसे आदमी जो है कि सीधे ना चल के टेढ़े होके चलता है ना, तो वही बोल रहा है साइड होके चले, और कहाँ वहां से गुजरते हुए एसले यानी कि वही बीच के गलियारे से जहाँ पे ये बैठे थे वहां से होके कहाँ चले गए, स्मोकर मतलब जो स्मोक करने की जगह है वहां चले गए। अभी देखो ये स्टोरी तो नॉर्मल चल रहा था, लड़की देखी चांस मार रहा था, अभी आया इसका ट्विस्ट। द टू पैसेंजर इन अ सीट नियर बाई हैड हर्ड मोस्ट ऑफ द कन्वर्सेशन। अब बगल के दो लोग बैठे हुए थे वो सारी की सारी बातचीत सुन रहे थे। सैड वन ऑफ देम, उसमें से एक ने कहा दैट्स मार्शल गुड सॉर्ट ऑफ चैप, अरे यार बड़ा बेहतरीन नौजवान शख्स है वो तो, अच्छे तरीके का जो मार्शल इंस्पेक्टर है। सम ऑफ दीज वेस्टर्न फेलोज आर ऑल राइट, कुछ ये फेलोज जो है ना अच्छे होते हैं वेस्टर्न फेलोज, तारीफ कर रहे हैं। प्रिटी यंग टू होल्ड एन ऑफिस लाइक दैट इजंट ही, आज द अदर, दूसरे ने पूछा तुमको बहुत ज्यादा नौजवान नहीं लग रहा है कि इंस्पेक्टर बन गया, बने ही बचपन में ही है? काफी यंग लग रहा है, नौजवान है इतना बड़ा ऑफिस होल्ड करने के लिए। यंग एक्सक्लेम द फर्स्ट स्पीकर, तुमको वो यंग लग रहा है, पहला वक्ता बोला वाई क्यों, ओ डिडंट यू कैच ऑन, अबे दिखा नहीं तुमको, तुमने पकड़ा नहीं, से कहो डिड यू एवर नो एन ऑफिसर, क्या तुम कभी किसी ऑफिसर को देखे हो टू हैंड कफ अ प्रिजनर, कि किसी कैदी में अपना जो है कि हथकड़ी बांधे टू हिज राइट हैंड। नहीं समझे, मतलब ये कि जो भी पुलिस वाला होता है अपना बायां हाथ कैदी के दाएं हाथ से बांधता है, लेकिन यहाँ पे जो ईस्टर्न है जो हैंडसम यंग मैन है उसका दाहिना हाथ फंसा हुआ था, यानी वो जो दूसरा वाला सैड बंदा था है ना वही एक्चुअली में पुलिस वाला था, और वो देखो अच्छी खासी इसकी तरफदारी कर दी उसने, इसकी तारीफ कर दी, लड़की के सामने इसकी इज्जत बचा ली है ना, ऐसे दोस्त तो बहुत ही कम मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टू सब्सक्राइब एंड